आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रसीद अगर आप प्रिंट नहीं कर पाए हो किसी कारण, या फिर आपका रसीद खो गया है तो उसे दोबारा प्रिंट कैसे करना है। जैसे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन करते हो पेमेंट सक्सेस होता है, कुछ इस प्रकार से आपको रसीद मिलता है, तो ये रसीद जो स्लिप होता है ये आप दोबारा कैसे निकाल सकते हो, चलिए वही दिखाने वाले हैं। अगर आपको जानकारी है तो वीडियो स्किप कर सकते हो। सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर आप CSE से अप्लाई किए हो तो CSE में जाओगे, ये लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, अपना आईडी और पासवर्ड डालोगे, CSE का जो भी आईडी पासवर्ड है आपका। आईडी पासवर्ड डालने के बाद साइन अप में क्लिक करोगे, ये इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। आपका स्टेट सेलेक्ट करना है जो भी स्टेट है, फिर आपका खरीफ 2024 सेलेक्ट करना है, झारखंड, सबमिट में क्लिक करना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आप आ जाओगे, एप्लीकेशन जहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ से ऑनलाइन नया किया जाता है, इंश्योरेंस जो है नया होता है। तो अगर आपको पता नहीं कि नया कैसे करेंगे, नया कैसे आवेदन करना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, तो इसके बारे में हम कल वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है और आप उसे अप्लाई कर सकते हो। हम पेड एप्लीकेशन में जाएंगे, जितना भी पेड है, तो हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि एक एप्लीकेशन दिखा रहा है कि ये पेमेंट किया हुआ है। तो अभी हमको रिसीप्ट निकालना है, मतलब रसीद निकालना है, तो इस बॉक्स में हम टिक करेंगे। मान लो आपने एक से ज़्यादा किया है तो सारा यहाँ पर शो करेगा। तो मेरे आईडी से सिर्फ एक अप्लाई हुआ है इसलिए एक दिखा रहा है, आज के डेट में और होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर इस बॉक्स जो भी आपको प्रिंट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि अभी हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट रिसिप्ट में क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट रिसिप्ट में क्लिक करोगे तो इस प्रकार से शो करेगा। अब यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे ये प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट रिसिप्ट, फिर से यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको प्रिंटर में लेके जाएगा। अगर आपका प्रिंट रिसिप्ट बटन काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस पी दबाओगे। कंट्रोल पी दबाते ही ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, पहला पेज ब्लैंक आएगा, दूसरा पेज भी ब्लैंक आएगा, तीसरा पेज से आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर वैसे सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कितना पेज प्रिंट करना है। मान लो ये फर्स्ट वाला प्रिंट करना है तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है, ये तीन नंबर पेज है तो तीन जैसे ही डालोगे यहाँ पर तो ये तीन नंबर सिलेक्ट हो जाएगा और यही प्रिंट होके निकलेगा। तो उस हिसाब से जो भी आपको प्रिंट करना है वो सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो, या फिर इसे सेव बटन में क्लिक करके PDF में सेव कर सकते हो। बहुत सारे वैली भाइयों को क्या हो रहा था, प्रिंट नहीं, प्रिंट का ऑप्शन खुल नहीं रहा था, जो बहुत लोग प्रिंट नहीं किए थे, तो इस प्रकार से आप दोबारा उसे प्रिंट करके निकाल सकते हो और कस्टमर को दे सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाओगे।